और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। रायपुर से आ रही है प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी है, बदले जा सकते हैं डीजी, एडीजी भी बदले जा सकते हैं। चार आईपीएस डीजी रेस में है, चीफ सेक्रेटरी को भी बदलने की तैयारी है, बहुत जल्द सीएस को भी बदला जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि आईपीएस डीजी रेस में चार आईपीएस हैं, डीजी रेस में एडीजी भी बदले जा सकते हैं। बहुत जल्दी प्रशासनिक का बदलाव आप देखेंगे। छत्तीसगढ़ में खबरें आ रही हैं कि चार आईपीएस डीजी रेस में हैं, बहुत जल्द बदले जा सकते हैं डीजी, एडीजी भी बदले जा सकते हैं। मौजूदा समय में चीफ सेक्रेटरी के भी बदलने की खबरें आ रही हैं। चीफ सेक्रेटरी को भी बदला जा सकता है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ऐसे में छत्तीसगढ़ के लिए ये बड़ी खबर है, प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी है और बहुत जल्द डीजी बदले जा सकते हैं, एडीजी भी बदले जा सकते हैं। चार आईपीएस डीजी की रेस में है, चीफ सेक्रेटरी को भी बदलने की तैयारी है। तो ये बड़ा प्रशासनिक का बदलाव आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में देखा जाएगा। लेकिन रेस में चार आईपीएस ऑफिसर हैं यह भी कहा जा रहा है, तो वो चार आईपीएस ऑफिसर कौन है यह देखना अभी बाकी है, और किसे कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी इसका भी अभी इंतजार है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, प्रशासनिक बदलाव की तैयारी है छत्तीसगढ़ में, रेस में कौन कौन मौजूदा समय में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखें छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके बाद अब प्रशासनिक सर्जरी की कवायद है, जो तैयारी है वो की जा रही है। जो अच्छे जो अधिकारी हैं, जो कर्मनिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी तलाश लगातार अब की जा रही है। अगर हम पुलिस महकमे की बात करें तो अशोक जुनेजा अभी वर्तमान में डीजीपी हैं, लंबे समय से वो डीजीपी हैं, तो हो सकता है पुलिस महकमे में के बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हो और जो अशोक जुनेजा हैं डीजीपी, उन्हें बदला जा सकता है। और ऐसे में जो एसआरपी कल्लूरी हैं, जो माओवाद क्षेत्रों में लंबे समय तक काम किए, एक लंबा अनुभव भी है उनका, और चार ऐसे अधिकारी हैं जो डीजी बनने की ओर हैं, और 30 साल का जो उनका कार्यकाल है वो लगभग पूरा हो चुका है, सर्विस में उन्हें 30 साल हो गया है, ऐसे में वो डीजी बनेंगे। उसके बाद जो डीजीपी का पद है उसके लिए वो पात्रता रखते हैं, अरुण देव गौतम है वो उनके भी नाम की चर्चा चल रही है, अरुण देव है, इसके बाद पवन देव गौतम है उनके भी नाम है, हिमांशु गुप्ता हैं और एसआरपी कल्लूरी है। ये चार अधिकारी हैं जिनकी नामों की जो चर्चा है जोरों पर है, और इन चारों में से किसी एक को डीजीपी आने वाले वक्त में जो सरकार है वो बना सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए तो सीएस है, मुख्य सचिव है, उन्हें भी बदला जा सकता है, लंबे समय से वो भी हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सत्ता परिवर्तन के बाद अब प्रशासनिक कसावट लाने के लिए, काम में तेजी लाने के लिए इस तरह से जो कवायद है वो राज्य सरकार है वो कर सकती है। बड़े प्रशासनिक सर्जरी की अंदेशा है, और कभी भी जो प्रशासनिक सर्जरी बड़ी सर्जरी हो सकती है। जी ठीक है, आप बने रहिए युगल, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच एक और अहम खबर जो आ रही है सामने, वो ये कि छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बनने के बाद न्यूज 18 को पहला इंटरव्यू दिया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों के प्रति अपना रुख भी बता दिया है। उन्होंने कहा कि पिछली शासन में काम कर रहे अधिकारियों को भय ना हो, डर ना हो, अधिकारियों को मौका दिया जाएगा, पुराना ढर्रा नहीं छूटा तो फिर सोचेंगे। छवि के तौर पे आप जाने जाते हैं, बहुत सरल सहज है, सहज उपलब्ध है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती जहां कठोर निर्णय भी लेना पड़ता है।
ऐसे क्या कठोर निर्णय को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, या क्या कोई मैसेज देंगे ऐसे कठोर निर्णय को लेकर, या कहीं आपको लगा कुछ गलत हो रहा है? नहीं, वो तो जो भी छत्तीसगढ़ के हित में, छत्तीसगढ़ की जनता के हित में जो भी निर्णय लेना पड़ेगा वो लिया जाएगा। आपने कल एक बड़ी बात भी कही थी कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हम कोई काम नहीं करेंगे, ये किस तरीके का मैसेज देने की आपकी कोशिश थी? हमारा ये मैसेज था कि जो भी पिछले शासन में काम कर रहे हैं अब उनको, मतलब उनके मन में कोई भय नहीं हो, इसलिए हमने कहा कि भाई आप जैसे भी थे लेकिन अब मतलब काम ठीक से करिए, अब आप लोगों को थोड़ा मौका दिया जाता है और फिर पुराना ढर्रा अगर किसी का नहीं छूटेगा तो उस तरह से सोचेंगे। और हम तो लंबे समय से रहे हैं तो बहुत कुछ जानते हैं कि कौन आदमी कैसा है, कौन अधिकारी कैसा है। जी, तो सौम्य छवि के विष्णु देव साय समय पड़ने पर कठोर फैसले भी लेंगे। बिल्कुल, तो ये लोग मान के चले कि विष्णु देव साय सिर्फ प्यार से समझाते नहीं, जरूरत पड़ने पर कठोर कार्रवाई भी करते हैं। बिल्कुल, और इसका उदाहरण छत्तीसगढ़ की जनता एक आध बार देख भी चुकी है। तो आप सुन रहे थे विष्णु देव साय को, उन्होंने क्या कहा अधिकारियों को लेकर। उन्होंने कहा कि वैसे तो सहज है और सरल है विष्णु देव साय, लेकिन अगर जरूरत पड़ी, और उन्होंने कहा कि अगर पुराना ढर्रा नहीं छूटा तो सोचेंगे। युगल, आपने भी ये बयान सुना होगा विष्णु देव साय का, उन्होंने वैसे तो कहा कि सरल है और आसान है विष्णु देव साय, लोगों के लिए बहुत ही इजिली रीचेबल है, लेकिन अगर पुराना ढर्रा नहीं छूटा तो फिर सोचेंगे। जी बिल्कुल, देखिए विष्णु देव साय के बारे में ये कहा जा सकता है कि अमूमन वो गुस्सा होते नहीं हैं, लेकिन दो बार ऐसा वक्त भी आया था जब वो राज्य मंत्री रहे हैं और इसके पहले जो सांसद रहे हैं, तब दो बार उनका आक्रोश सार्वजनिक तौर पर भी दिखा था और जमकर जो अधिकारियों की फटकार भी उन्होंने लगाई थी। तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि, और उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है कि अगर पुराना ढर्रा नहीं बदला तो कार्रवाई जरूर होगी, कठोर कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किसी पर कार्रवाई या फिर किसी की जो बात है वो नहीं सुनेंगे। तो इससे साफ जाहिर है कि प्रशासनिक कसावट वो लाना तो चाहते हैं, लेकिन अधिकारी को ये भी मैसेज दे रहे हैं कि वो अपने ढर्रे बदल लें, अपने तरीके हैं, तौर तरीके हैं वो बदल लें, और जिस तरह से शासन के जो काम हैं जमीनी स्तर पर, ग्राउंड स्तर पर, उन कामों को पहुंचाने में, शासन की योजना को अमली जामा पहनाने में लग जाए। अगर इस तरह की लापरवाही बरती गई तो कार्रवाई जरूर रोक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए और बताने के लिए। तो 19 दिसंबर से छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र होगा और 3 दिनों का विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा, जहां पर सबसे पहले तो जो नव निर्वाचित विधायक हैं उन्हें शपथ दिलाई जाएगी राज्यपाल के द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, माफ कीजिएगा, और फिर उसके बाद जो ये सत्र है ये कई मायनों में खास हो जाएगा। 19 दिसंबर से छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा सत्र है वो 3 दिनों का होगा और ये शीतकालीन सत्र होगा। मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है, उनका अपना निर्णय है और मैं सोचता हूं कि बहुत शीघ्र करने वाले हैं, उस बात पर वो चिंता भी कर रहे हैं। विधानसभा का सत्र शीतकालीन सत्र कब से रखा गया है? कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में इस विषय को लाया है। उन्होंने कहा है कि 19, 20 और 21 को विधानसभा का सत्र रखा जाए, उसमें प्रोटेम स्पीकर पहले और फिर शपथ ग्रहण और अभिभाषण सब कुछ विधिवत वैसे ही होना है। कुछ अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा सत्र में? आवश्यकताएं हैं एक्चुअली, जो पूरा कल मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा विषय किया कि पूरे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, जिसकी घोषणा भी पूर्व से भाजपा की थी, जिसका संघर्ष भाजपा ने सड़क पर किया था, उसमें गरीबों ने साथ दिया था, तो सबसे पहला काम तो वही करना था। तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए, अब इसके लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता है, तो सर्वप्रथम तो अनुपूरक बजट की आवश्यकता है। इसके सिवा आगे कुछ और योजनाएं जो हैं जिसको शीघ्र ही अगली कैबिनेट में निर्णय किया जाएगा, उसके लिए भी अनुपूरक बजट की आवश्यकता है। और चलिए एक नजर 20 मिनट 20 खबरों की ओर। रात का अंधियारा, सड़क पर सन्नाटा, और उस सन्नाटे सड़क पर एकदम से आवाजें गूंज उठी। उस ठाए ठाए की आवाज से पूरा शहर थर्रा उठा, गोलियों की आवाज से बच्चा बच्चा सहम गया और किसी की जान भी चली गई। तस्वीरें तो आपने देख ली,
इस तस्वीर का लोकेशन नरसिंहपुर है, जहां अपराधी बेलगाम और प्रशासन मुख दर्शक बनी हुई है, जहां युवतियां सुरक्षित नहीं है, जहां शाम ढलते ही अपराधी की शोर सुनाई देती है, जहां सड़क पर ताबड़तोड़ गोलियां चलती है और प्रशासन को पता तक नहीं होता, उन्हें सूचना दी जाती है। हाँ, यहाँ गोटी गांव थाना अंतर्गत एक युवती की मौत की जानकारी मिली थी, जिसके जाके देखने पर मर्डर टाइप घटना लग रही है, जिसके लिए आरोपी लगभग ज्ञात हो गए थे, उसकी तलाश पता सजी जा रही है। पुलिस की ये बातें पूछती है कि क्या नरसिंहपुर की पुलिस पेट्रोलिंग नहीं करती, क्या उन्हें नहीं पता कि सड़क पर आम जन के साथ साथ गुंडे भी चलते हैं। ये तो आपने क्लाइमेक्स में समझा कि हुआ क्या था, अब पूरी कहानी सुनिए। नरसिंहपुर में एक युवती अमरावती एक्सप्रेस से गोटे गांव अपने घर जा रही थी, इस दौरान सड़क पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये युवती जबलपुर जॉब करती है और वो अपने गांव लौट रही थी, इस बीच एक युवक ने उसका पीछा करना शुरू किया। सिंधी कॉलोनी शीतल धर्मशाला के पास मौका पाते ही उसने युवती को गोली मार दी, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब जब हत्या हो ही गई तो प्रशासन की आंखें खुली और हत्यारे की तलाश में जुटी। पुलिस का कहना है कि ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पता तो आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही चलेगा, लेकिन इस घटना ने इतना साफ कर दिया कि नरसिंहपुर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। चोर कितने शातिर होते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। वो किस रूप में आते हैं, ये सोच से भी परे है। अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, जो इंदौर की महिलाएं घर में पहुंचती हैं, 25 लाख रुपए के सोने चांदी और डायमंड के आभूषण चोरी कर फरार हो जाती हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि शहर के जूनी इंदौर थाना के एक व्यापारी के घर पर महिला चोरों की नजर थी। वो इस फिराक में थी कि कब व्यापारी घर से बाहर जाए और वे अपने मंसूबों में कामयाब हो पाए। ऐसा हुआ भी, बीते दिन जब व्यापारी घर से बाहर था, घर पर सिर्फ उसके बुजुर्ग माँ बाप थे, तो महिला चोर घर पहुँचती है, फिर डोरबेल बजाती है और घर में साफ सफाई करने की बात कहती है। फिर साफ सफाई करने के बहाने घर में रखे करीब 25 लाख के सोने चांदी और डायमंड की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर जाती है। अब इस मामले में व्यापारी ने जूनी थाना क्षेत्र में पुलिस से शिकायत की है। इसके बाद पुलिस की टीम सीसीटीवी के आधार पर महिला चोरों की तलाश में जुट गई है। तो अब आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे चोर हर शहर में घूम रहे हैं। इंदौर में आचार संहिता हटते ही फुटपाथ और सड़कों पर किए जा रहे कब्जों के खिलाफ महापौर पुष्यमित्र भार्गव और विधायक गोलू शुक्ला सड़क पर उतरे। उन्होंने राजवाड़ा और आसपास के मुख्य बाजारों में पैदल घूमकर दुकान के बाहर और सड़क किनारे सामान रखकर विक्रय करने वालों को समझाइश दी। फुटपाथ और सड़क पर कब्जा करने वाले दुकानदारों से अपील की कि सामान दुकान के भीतर रखकर ही विक्रय करें। अन्यथा नगर निगम सामान्य जब्ती के साथ एक अन्य आवश्यक कार्रवाई भी करेगा। इसके बाद निगम के अमले ने शीतला माता बाजार, बजाज खाना चौक सहित कई स्थानों पर कार्रवाई की। कुछ जगह व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। महापौर, विधायक और राजस्व समिति प्रभारी ने व्यापारियों से हाथ जोड़कर अपील की कि वे अपना व्यवसाय दुकान परिसर में ही करें, अगर ऐसा करेंगे तो शहर के यातायात में सुधार होगा, आमजन को सुविधा मिलेगी, पैदल चलने वालों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। व्यापारियों से अपील भी की गई कि वे दुकानों के बाहर वाहन खड़ा ना करते हुए निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े करें। हाथ काटने पर एक्शन, पहले एनएसए फिर कार्रवाई, बोल रहा है सीएम का बुलडोजर, अपराधियों की अब खैर नहीं। फिल्म शोले किरदार गब्बर और ठाकुर का, उन दोनों के बीच का एक डायलॉग, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, कुछ याद आया और फिर ठाकुर का इंतकाम हुआ पूरा, हाथ के बदले गई गब्बर की जान। इस तस्वीर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां हाथ के बदले हथौड़ा चला, डॉक्टर सीएम मोहन यादव का हथौड़ा, जिसे बुलडोजर भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव एक्शन में हैं। सीएम डॉक्टर यादव लगातार आदेश जारी कर रहे हैं कार्रवाई के, अपराधियों पर शिकंजे के लिए। इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला करने वाले फारूक पर भी शिकंजा कसा गया,
पहले आरोपी पर एनएसए लगाया गया, फिर उसके बाद अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। ये कार्रवाई बता रही है, आगाह कर रही है और अपराधियों को कि सावधान हो जाओ, अब तुम्हारी खैर नहीं, अब कुछ किए तो अंजाम ऐसा ही होगा जो तस्वीरों में दिख रहा है। ना रहने के लिए मकान होगा और छिपने के लिए छत। अब उस दिन पर चलते हैं जब भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र सिंह ठाकुर पर हमला हुआ था। वो दिन था 5 दिसंबर का, जब बदमाशों ने बीजेपी कार्यकर्ता की हथेली काट दी थी। घटना के बाद माहौल गर्म हो चला था। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी उनसे अस्पताल मिलने पहुंचे थे, तो वहीं सीएम ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया था, जो अब दिखने लगा है। आरोपी फारूक के अवैध मकान पर बुलडोजर चला, ये कार्रवाई एनएसए के तहत की गई है। ये तस्वीरें बार बार कह रही हैं कि सावधान हो जाओ, सीएम डॉक्टर यादव का बुलडोजर बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एक्शन का असर होने लगा है, आदेश का पालन होने लगा है, लाउड स्पीकर अब डाउन होने लगे हैं, कार्रवाई सख्ती से जारी है। दो तस्वीरें, एक उज्जैन की है तो दूसरी आगर मालवा की, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश का पालन हो रहा है। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाने लगे हैं। उज्जैन में कई जगहों पर कार्रवाई हुई तो वहीं आगर मालवा में भी इसका असर दिखा। ये तस्वीरें कह रही है कि अब MP शांतिमय प्रदेश बनेगा, बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने वाली है, उन्हें अब शोर शराबा नहीं सुनाई देगी, बुजुर्गों की सेहत भी अच्छी रहेगी, अब ध्वनि प्रदूषण से भी उन्हें छुटकारा मिलेगा। मतलब ये है कि सीएम के आदेश के बाद सेहत भी अच्छी होगी और शांति भी कायम होने वाली है। बदले की भावना इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। कोई भी व्यक्ति बदले की भावना में कुछ ऐसा कर गुजरता है कि उससे गलतियां होती है। एक ऐसी ही तस्वीर मुरैना से आई है, जहां पिता का बदला लेने के लिए बेटे ने 3 छात्रों का अपहरण किया, फिर उसके साथ मारपीट की और अधमरी हालत में सड़क किनारे फेंक दिया, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है अपहरण के बाद छात्रों से मारपीट की जा रही है, इतना मारा कि छात्र अधमरा हो गए। इस घटना को बेटे ने अंजाम दिया। अब पीड़ितों की शिकायत पर 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये मामला मुख्य रूप से महुआ थाना क्षेत्र के कसमडा गाँव का बताया जा रहा है। दतिया नगर में समस्याएं बहुत है, सड़क पानी जाम से लेकर ना जाने और कितने हालात ऐसे बन गए हैं कि यहां एक कांग्रेस नेता इन समस्याओं पर पुलिस प्रशासन की नजर खींचने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गए, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता महेश जाटव पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। उनका कहना है कि नगर में कई तरह की समस्या है, कई बार इसकी शिकायत हुई लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता, जिसके बाद वो पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या की कोशिश करने लगे। मौके पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, कांग्रेस नेता को समझाने में जुट गई। बता दें कि 1 साल पहले भी महेश यादव पानी की टंकी पर चढ़ चुके हैं। जगदलपुर की एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें देर रात एक लड़की अचानक रथ पर चढ़ गई और डांस करने लगी। लड़की की अजीबोगरीब हरकत किसी ने कैमरे में कैद की। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की रथ पर चढ़कर डांस कर रही है और जब पुलिस तक मामला पहुंचा तो पुलिस मामले की जांच करने लगी। पता चला कि युवती मानसिक रूप से बीमार है। वहां रील और एडिट करने वालों की पुलिस तलाश भी कर रही है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अब सड़क पर सिर्फ आम लोग नहीं चलते बल्कि शिकारी भी चलते हैं, इसीलिए सावधान हो जाइए बैतूल वाले, क्योंकि आपके यहाँ सड़क पर शिकारी घूम रहा है, जिसका वीडियो सामने आया, जहाँ एक तेंदुआ सड़क पर नजर आया है। बैतूल के आमला शहर के पास एक तेंदुए की चहलकदमी नजर आई, जिससे दहशत का माहौल है। यहाँ टंडन कैंप गेट नंबर 1 के पास आज सुबह तेंदुआ देखा गया। इसका CCTV फुटेज भी सामने आया, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। तेंदुए के एक फुटप्रिंट भी मिले हैं।
धार में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब घर के सामने खड़ी एक कार में आग लग गई। आग लगने से लोग दहशत में आ गए। अब आग लगने का वीडियो सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि एक कार धू-धू कर जल रही है। ये घटना सरस्वती नगर की है। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। जैसे ही कार में आग लगी वहां मौजूद लोग आग पर काबू पाने में जुट गए, लेकिन जब वे आग पर काबू नहीं पा सके तो उन्होंने दमकल विभाग को सूचित किया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग बुझी कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। गनीमत रही कि जब कार में आग लगी थी तो कोई सवार नहीं था, वरना किसी की जान पर भी आफत आ सकती थी। बालाघाट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 14 लाख इनामी नक्सली को मुठभेड़ में मार गिराया। नक्सली के पास से एक .315 बोर का राइफल भी बरामद हुआ है। मृत नक्सली का नाम चैतू उर्फ हिडमा मरका, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि खामको दादर के जंगली क्षेत्र में नक्सलियों की गैंग सक्रिय है। इसके बाद बालाघाट और मंडला पुलिस, इसके अलावा हॉकफोर्स और CRPF ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। इस दौरान घात लगाकर बैठे लगभग 10 से 12 नक्सलियों की गैंग के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें 14 लाख का इनामी नक्सली चैतू उर्फ हिडमा मरका मारा गया। पुलिस की माने तो चैतू उर्फ हिडमा MMC जोन स्पेशल कमेटी के सचिव दामा उर्फ मंगू का गार्ड था। पुलिस को आशंका है कि इस मुठभेड़ में और भी नक्सली घायल हुए हैं। इनकी तलाश में CRPF और हॉकफोर्स की टीम बड़े स्तर पर सर्चिंग अभियान में जुटी हुई है।